Realme ने फिर से एक और अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Realme C53। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले Realme ने C55 लॉन्च किया था, अब C53 लॉन्च कर दिया है। तो आज हम इस स्मार्टफोन का करने वाले हैं कैमरा टेस्ट। इस फोन का जो रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अब देखना है कि इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो किस तरीके की है। तो मैंने यहाँ पे इस स्मार्टफोन से कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए हैं, उन फोटोज को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अभी जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ना, इस वाले फोटो को मैंने इसी फोन के बैक कैमरे से क्लिक किया है, वो भी पोर्ट्रेट मोड में। तो इसका पोर्ट्रेट मोड मुझे काफी बिंदास लगा। इसमें एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, सारी चीजें रियलमी C53 ने काफी अच्छी तरीके से क्लिक की है। अगर हम यहाँ पे क्वालिटी वाइज की बात करें तो क्वालिटी भी इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ फोटो मैंने यहाँ पे आउटडोर में भी क्लिक किया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दो पक्षी बैठे थे, मैंने यहाँ पे इस फोटो को क्लिक किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब थोड़ा अंधेरा था, तो अंधेरे में भी इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लिक की है। वही हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट आई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कलर वगैरह बिल्कुल अच्छे आए हैं। फिर से मैंने यहाँ पे एक फ्लावर्स का फोटो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, वो भी पोर्ट्रेट मोड में। इसका पोर्ट्रेट मोड देख सकते हो आप लोग, बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लर हुआ है। अगर हम यहाँ पे कलर वगैरह की बात करें तो कलर वगैरह एकदम बिंदास आते हैं, देख सकते हो अपना मेन फोकस है वो बिल्कुल मस्त आया है। फिर मैंने इसी फोटो को नॉर्मल मोड में क्लिक किया है, तो आप लोग यहाँ पे देखते हो नॉर्मल मोड में उतना अच्छा फोटो नहीं आया है, पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी। यहाँ पे अगर कलर वगैरह की बात करें तो कलर वगैरह ठीक ठाक आए हैं, बट यहाँ पे इस फोन का जो पोर्ट्रेट मोड है उतना अच्छा है, उतना नॉर्मल नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखते हो इस फोन से पोर्ट्रेट मोड में फोटो वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं।